हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डाउट क्लियरिंग वीडियो ऑफ आवर YouTube चैनल। तो आज की इस डाउट क्लियरिंग वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेंस का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कि है चैप्टर हाइट और डिस्टेंस से। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। द शेडो ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। उसने बोला एक हमारे हाइट ऑफ द टावर जो है वो 60 मीटर शॉर्टर पाई गई व्हेन सन का एल्टीट्यूड जो है वो 30 से 60 डिग्री पे चेंज हुआ। हमको यहाँ चार ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन है 62 मीटर, बी ऑप्शन है 301 मीटर, सी ऑप्शन है 101 मीटर एंड डी ऑप्शन है 52 मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है 52 मीटर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन को ठोकना बिल्कुल मत भूलना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको एक टावर गिवन है, एक टावर ले लेते हैं ए बी। पहले उसका एंगल बनता है 30 डिग्री का, फिर वो एंगल चेंज हो जाता है 60 डिग्री पे। तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि जब उसका एंगल चेंज होता है तो जो हमारी टावर की शेडो होती है वो 60 मीटर शॉर्टर हो जाती है। ये वाला डिस्टेंस को हम 60 मीटर कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा एंगल है ए सी बी, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो जो हमारा एंगल है ए सी बी वो कितना है 60 डिग्री का, और जो हमारा एंगल है ए डी बी वो कितना है 30 डिग्री का। इस वाले ट्राइंगल के लिए हमारी शेडो क्या है, इस वाले ट्राइंगल के लिए हमारी शेडो है बी सी, बी सी मीटर्स। और इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल के लिए हमारी शेडो क्या है, शेडो इज इक्वल टू बी डी। ये पूरी बी डी हमारी शेडो है जिसको हम ये लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू 60 प्लस बी सी, ठीक है। अब हम करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इस वाला ट्राइंगल है, टेन का फॉर्मूला लगा देते हैं, टेन 60 डिग्री, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है सी बी। तो टेन 60 रूट 3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी, इसको हम यहाँ ले जाते हैं तो इट विल बी सी बी रूट 3 इज इक्वल टू ए बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी यहाँ पे है 10 30 डिग्री विच विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30 1 बाई रूट 3। ए बी की वैल्यू क्या थी ये लिखा लिया अभी हमने, बी डी की वैल्यू क्या थी ये लिखी है तो लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। ये इधर चला गया, ये इधर चला जाएगा, सी बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 मीटर। हमको क्या ढूंढना, हमको ये जो टावर है इसकी हाइट ढूंढनी है, ए बी ढूंढना है। ए बी की वैल्यू हमको क्या गिवन थी, ए बी जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ये रहा, ए बी इज इक्वल टू सी बी रूट 3, ठीक है। सी बी की वैल्यू ये रही, हमको निकालनी की इसकी वैल्यू है ए बी की, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू सी बी रूट 3। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ए बी इज इक्वल टू 51.96 मीटर विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 52। ये हमारा फाइनल आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो सॉल्यूशन मैंने ये अभी सॉल्व किया है अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले डाउट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।